सवाल है सर, ये स्टार हेल्थ फंडामेंटली क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक शेयर है क्या? देखिए रवि जी, स्टार हेल्थ में मुझे लगता है कि देखिए स्किन के फंडामेंटल्स को अगर देखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं। और फिर से जो है कोविड कोविड बात कर रहे हैं लोग, तो इंश्योरेंस सेक्टर पे और मुझे लगता है कि और वो भी हेल्थ इंश्योरेंस पे जो है वो थोड़ी सी जो है कहने की पनवती छाई हुई है लास्ट के 2 सालों से। और ये सारे सेक्टर्स में, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप जनरल इंश्योरेंस की बात कर लें या लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें या हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लें, ये सेक्टर जो है लास्ट के 2 सालों में अभी भी कोविड के शॉक से उभर नहीं पाया है। और प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वन फैक्टर की यहाँ पर जो है थोड़ी सी अभी भी दूर है। लेकिन स्टॉक प्राइस के लिहाज से अगर देखेंगे एलेक्स जी, और थोड़ा जो कंसोलिडेशन पूरे स्टॉक में हो रहा है काफ़ी दिनों से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है लाइट इन द टनल जिसे कहते हैं वो दिख रहा है चार्ट को अगर देखें तो। और इसमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन भी है स्टॉक में तो, और आप जो है कह लें कि स्टॉप लॉस के बहुत ही करीब हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा सा आपको देखनी चाहिए, पोजीशंस आप बना सकते हो। बट 565 रुपये के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। और अगर यहाँ से स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो जो लास्ट अभी प्रीवियस हाई बने थे 750-800 के आसपास, वहाँ तक शायद स्टॉक प्राइस चला जाए। एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज में है, स्टक हो रखा है स्टॉक, और एक फॉर्मेशन सपोर्ट के पास है, इसीलिए मैं केवल कह रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त देखने को मिले। बट इसमें एक स्टॉप लॉस जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए 565 के नीचे का बाय क्लोजिंग बेसिस बना के रखें। जी, तो ये है व्यू स्टार हेल्थ पे संतोष सर का।